जैसा कि डॉक्टर माइकल न्यूटन की रिसर्च में पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू हमने सोल वर्ल्ड के विषय में बहुत कुछ जाना, उस मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में बहुत कुछ जाना, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल कर सामने आई। जैसा कि पिछली कड़ियों में हमने गेम्स के विषय में जिक्र किया, तो एक बहुत ख़ास सवाल था डॉक्टर न्यूटन का, वो ये कि क्या सोल वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी गेम्स खेले जाते हैं जो सोल पर असर डालते हों, जो जिनका रूपांतरण अभी इस धरती पर नहीं हुआ है। जैसे हमने जाना ना कि क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, कबड्डी, बहुत सारे गेम्स हैं जो सोल वर्ल्ड से आए हैं, जिनका धरती पर जो वो यादें हैं, उन यादों के थ्रू इन गेम्स का ईजाद हुआ है। लेकिन कुछ गेम्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं सोल वर्ल्ड से इस धरती पर, लेकिन इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र हुए हैं। जैसे कि जब डॉक्टर न्यूटन ने ये सवाल पूछा कि क्या कोई ऐसा गेम है सोल वर्ल्ड में जो हमारी आत्मिक उन्नति पर, हमारे जीवन पर असर डालता हो, जो धरती पर रूपांतरण जिसका नहीं हुआ, तो इस पर माध्यम का जवाब था हाँ है ना, बहुत से हैं। जेम्स बॉल एक ऐसा गेम है जो आत्मा की उन्नति से जुड़ा है। कैसे? जैसे कि हम जानते हैं ना कि हर आत्मा में अपनी अपनी क्वालिटी है, किसी में प्रेम, किसी में सहानुभूति, किसी में सामने वाले के मन को पढ़ लेना, किसी में सामने वाले की परिस्थितियों को जानकर उसकी स्थितियों को उसकी नज़र से देखकर परिस्थितियों का मूल्यांकन कर लेना। सब में अपनी अपनी क्वालिटी है, हर व्यक्ति अपनी अपनी किसी विशेष गुण में महारत हासिल है। तो जेम्स बॉल एक इस तरह का गेम है जो कि हमारी सोल पर असर डालता है। वो किस तरह से? क्योंकि माध्यम ने बड़े स्पष्ट शब्दों में एक बात कही, उसने कहा कि ये गेम कुछ इस तरह का है कि मैं इस गेम के माध्यम से अपने भविष्य में जो मैं बर्थ लूँगा उससे रिलेटेड फैसले मैं ले लेता हूँ। अब वो कैसे ले लेता है ये फैसले? जैसे कि बहुत सारी आत्माएं हैं जो एक बड़ा सा घेरा बनाकर, 8, 10, 15 आत्माएं बहुत बड़ा सा एक घेरा बनाकर बैठ जाती हैं और अपने अपने गुणों के मुताबिक, जो भी उनमें क्वालिटी है उसके मुताबिक ऊर्जा का निर्माण करती हैं। अब आपके पास जो होगा आप उसी चीज़ का निर्माण तो करेंगे ना। आप अगर अच्छा गा सकते हैं तो आप किसी के कानों तक अपनी ज़बान का रस पहुंचाएंगे, अगर आप अच्छा पका सकते हैं तो आप किसी की ज़बान तक अपने खाने का रस पहुंचाएंगे। जो आप में क्वालिटी है उसी चीज़ का निर्माण तो आप करेंगे ना। इस धरती पर भी ऐसे ही होता है, तो सोल वर्ल्ड में भी ऐसे ही होता है कि जो क्वालिटी आपके अंदर है आप उसी से रिलेटेड बॉल का निर्माण, यानी ऊर्जा की बॉल का निर्माण कर रहे हैं। अब ऊर्जा अपने गुण के मुताबिक अलग अलग कलर्स की होती है, ये भी हम जानते हैं। तो अब अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि एक बड़ा सा घेरा है, उसमें बहुत सारी आत्माएं हैं और वो अपने अपने गुणों के हिसाब से ऊर्जा की बॉल्स निर्मित कर रही हैं। वो ऊर्जा की बॉल्स देखने में गोल सी ऊर्जा से भरी हुई चमकीली सी रंग बिरंगी बॉल्स हैं, लेकिन हकीकत में वो क्या है? हकीकत में वो क्वालिटीज़ हैं, किसी में प्यार, किसी में सहानुभूति, किसी में दया, जो जिसकी क्वालिटी है वो उससे निर्मित बॉल्स हैं। वो रंग बिरंगी बॉल्स, क्योंकि ऊर्जा के मुताबिक हर ऊर्जा का कलर अलग है ना, तो वो रंग बिरंगी बॉल्स वो सब आत्माएं जब उस घेरे के बीच में फेंकती हैं तो वो बॉल्स, ऊर्जा की बॉल्स एक दूसरे से टकराती हैं और रंग बिरंगी किरणें, ऊर्जा हर तरफ फैल जाती है और वो फैलती ही चली जाती है। और जिस आत्मा की गोद में जिस तरह की ऊर्जा की बॉल आकर गिरती है, मतलब वो माध्यम उसी तरह की ऊर्जा को एक तरह से आवाहन कर रहा है, उसी तरह की ऊर्जा चाहता है, उसी तरह की ऊर्जा के मालिक जो उस ऊर्जा को क्रिएट करने में सक्षम है, उसी तरह की ऊर्जा के मालिक को वो अपने जीवन में चाह रहा है, तो उस तरह की ऊर्जा ही उसकी गोद में आकर गिरेगी। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अच्छा खाना पकाना सीखना चाहता है, तो वो क्या करेगा? तो वो इस तरह की वीडियोस देखेगा जिसमें अच्छा खाना पकाना सिखाया जा रहा हो, या उसकी दोस्ती भी फिर ऐसे लोगों से हो जाएगी जो कुकिंग में अच्छे होंगे, जो उसको कोई नई डिश बनाना सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसी चीज़ को अपने जीवन में एक तरह से आह्वान कर रहा था, वो ऊर्जा वो चाहता था।
तो वो ऊर्जा और उस ऊर्जा का स्वामी उसके प्रति आकर्षित हुआ। इसी तरह से जेम्स बॉल गेम है जो सोल वर्ल्ड में खेली जाती है, जिसमें जो माध्यम या जो आत्मा है वो जिस तरह की ऊर्जा को अपने आने वाले जीवन में चाह रही है, उसे लगता है कि ये ऊर्जा उसकी आत्मिक उन्नति में मददगार होगी, उसी तरह की ऊर्जा उसकी तरफ खींची आ रही है और उसी तरह की ऊर्जा का स्वामी भी उससे भविष्य के बर्थ में कनेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि वो जो उस ऊर्जा को निर्मित करने वाला व्यक्ति है, जो वो व्यक्ति और वो ऊर्जा उसके आने वाले भविष्य पर असर डाल रहे हैं। तो इस जेम्स बॉल गेम में यूं ही कोई ऊर्जा की बॉल आपकी गोद में आकर नहीं गिरेगी, वही ऊर्जा की बॉल आपकी गोद में आकर गिरेगी जिस ऊर्जा को आप चाह रहे हैं, जिसकी आपको आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यकता है, और उस ऊर्जा का स्वामी उसका क्रिएटर आपकी तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि आपके फ्यूचर बर्थ में उस व्यक्ति का कोई ना कोई आपके साथ कार्मिक रोल होगा। आपको वो गुण सिखाने में वो आपकी मदद करेगा, आपकी उन्नति जो आत्मिक उन्नति है उसमें उस गुण का महत्वपूर्ण रोल होगा। तो यूं ही कुछ नहीं आकर्षित हो रहा आपके प्रति तरफ, उसी तरह की ऊर्जा आकर्षित हो रही है इस जेम्स बॉल गेम में, जिस तरह की ऊर्जा को आप अपने आने वाले फ्यूचर में चाह रहे हैं। इसीलिए माध्यम ने एक बात कही, उसने कहा कि मैं अपने भविष्य के संबंध में, अपने फ्यूचर बर्थ के संबंध में कुछ निर्णय इसी गेम के आधार पर ले लेता हूँ। और उसने एक बात और कही, उसने कहा कि इस गेम में कुछ भी योजनाबद्ध नहीं है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है? अब जैसे आप अपने आज के वक्त को देखिए, अपनी किस्मत को देखिए, कुछ चीज़ें तय हैं, वो किस्मत में हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपका स्वतंत्र कर्म है और आपका स्वतंत्र कर्म आपकी किस्मत पर इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो क्या होता है, इसी तरह से जेम्स बॉल गेम में भी कुछ भी योजनाबद्ध नहीं है, यानी किस्मत पर छूटा हुआ कुछ नहीं है, वो एक तरह से स्वतंत्र कर्म की कैटेगरी का गेम है। क्यों? क्योंकि माध्यम या आत्मा खुद निर्णय ले रही है कि इस ऊर्जा की उसे आने वाले कल में, आने वाले फ्यूचर में आवश्यकता है और ये व्यक्ति उसके साथ कार्मिक रिलेशन में होना चाहिए, इस ऊर्जा का उसको जीवन में होना चाहिए। तो ये एक तरह से स्वतंत्र कर्म की कैटेगरी में आने वाला गेम है जो हमारी किस्मत का निर्माण कर रहा है। ठीक इसी तरह से जैसे धरती पर हमारे स्वतंत्र कर्म, पहले वो स्वतंत्र कर्म है, बाद में वो किस्मत में कन्वर्ट हो गए हैं, बाद में हमारे हाथों से निकल गए हैं, इसी तरह से ये जेम्स बॉल गेम भी सोल वर्ल्ड में स्वतंत्र कर्म है, लेकिन हमारी किस्मत बन रहा है। क्यों? क्योंकि हम उस ऊर्जा के जरिए अपने फ्यूचर में हमें क्या चाहिए, किस ऊर्जा की और किस व्यक्ति की हमें आवश्यकता है, उसका हम फैसला ले रहे हैं। सोल वर्ल्ड में इस तरह के बहुत से गेम्स हैं जो आत्मा की आत्मिक उन्नति में असर डालते हैं। बहुत से गेम्स हैं इस तरह के जो खेले जाते हैं। अब ये जो गेम है जेम्स बॉल गेम, ये डायरेक्टली तो हमारे जीवन में नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली तो है ना, काम तो यही हो रहा है ना हमारी लाइफ में। जो भी हम चाहते हैं, जिस भी तरह की ऊर्जा का हम निर्माण करते हैं, उसे हम आकर्षित करते हैं और उसी तरह के व्यक्तियों को हम आकर्षित करते हैं। तो ये गेम, जेम्स बॉल नाम का गेम, ये डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हमारी लाइफ का हिस्सा है, लेकिन आया कहाँ से है? सोल वर्ल्ड से है। अब सोल वर्ल्ड में इसी तरह के अनेकों और भी गेम्स हैं जो खेले जाते हैं। अगर मैं अपनी बात को सही तरह से रखने में सक्षम हो पाई हूँ तो कृपया कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि फिर मैं आगे जो इसी तरह के गेम्स पर आधारित जानकारी है वो मैं आगे आप सभी के सामने प्रस्तुत करूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के पिछले भाग का और मेरे सेकेंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया गया है, जहाँ इसी प्रकार की मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में तथ्य पर आधारित सत्य जानकारी प्रस्तुत की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।